तो गाइस अगर आपके पास कोई भी ईयरबड्स हैं और उन्हें कनेक्ट करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो जो है आपके फ़ोन से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से आप इस प्रॉब्लम को जो है ठीक कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम क्यों आती है और आप इस प्रॉब्लम को किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले ना आपको जो काम करना है वो आपको ये चेक करना है कि आपके ईयरबड्स चार्ज है या नहीं। कई बार आपके ईयरबड्स चार्ज नहीं होते हैं जिस वजह से कनेक्ट नहीं होते हैं, तो सबसे पहले ये आपको देख लेना है। अगर चार्ज नहीं है तो चार्ज कर लेना, अगर चार्ज है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इनको रखना है आपको साइड में और आपको जाना है फ़ोन में, और फ़ोन में जाने के बाद अब आपको क्या करना है, और फ़ोन में जाने से पहले ना एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पहले आपको ये कंफर्म कर लेना है कि आपके जो ईयरबड्स हैं किसी सेकंड डिवाइस से कनेक्टेड तो नहीं है। अगर ये किसी और डिवाइस से कनेक्ट होंगे तो आपकी डिवाइस से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, तो ये चीज़ आपको देख लेना है ये कहीं और से कनेक्टेड तो नहीं है। अगर कनेक्टेड है तो वहाँ से आपको डिसकनेक्ट करना होगा सबसे पहले। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पे आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगी एडिशनल सेटिंग, आपको एडिशनल सेटिंग्स पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपको थोड़ा नीचे जाना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एसेसिबिलिटी, आपको एसेसिबिलिटी पे क्लिक करना है, हियरिंग पे क्लिक करना है, और ये अगर आपका लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ है तो आपको इसे सेंटर में कर देना है। उसके बाद सेंटर में करने के बाद आपको मोनो ऑडियो को ऑन कर देना है, ये करना है। उसके बाद आपको अपना जो भी साउंड है उसे आपको देख लेना है, एक बार कंफर्म कर लेना है कि वो ऑन है या नहीं, तो मेरा मीडिया वाला ऑन है। और ये करने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है, यहीं पे एडिशनल सेटिंग्स के अंदर फिर से, और नीचे जाना है बैकअप एंड रीसेट पे क्लिक करना है, रीसेट फ़ोन पे क्लिक करना है, रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स पे क्लिक करना है। देख सकते हैं रीसेट वाईफाई ब्लूटूथ, इसमें ना ब्लूटूथ में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इससे जो है आपकी नेटवर्क सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट रीसेट हो जाएंगी और आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। तो अगर यहाँ से प्रॉब्लम होगी तो कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस सेटिंग को जरूर आपको रीसेट करना है। आपको पूरी रीसेट नहीं करना है वरना आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा, आपको सिर्फ नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको चले आना है यहाँ से बैक, और बैक आने के बाद अब आपको क्या करना है, ये करने के बाद आपको अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट करना है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल की पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है और रीस्टार्ट कर देना है। गाइस रीस्टार्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, कई बार जो है फ़ोन में छोटी मोटी प्रॉब्लम जो आती है वो रीस्टार्ट करने से जो है ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाती है, तो रीस्टार्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई भी कैमरे से रिलेटेड या कोई भी थोड़ी बहुत जो है प्रॉब्लम अगर आ जाती है तो रीस्टार्ट करने से आपकी जो है प्रॉब्लम फिक्स हो जाती है। तो इसे आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए कि भाई इसे स्किप कर दो, मत करो रीस्टार्ट। तो गाइस रीस्टार्ट करना ज़रूरी है, आपको रीस्टार्ट ज़रूर करना है। तो यहाँ पे मेरा जो फ़ोन है वो ऑन होने वाला है, और हो सके तो आपको एक बार अपने ईयरबड्स को जो है रीस्टार्ट कर लेना है, ईयरबड्स को भी रीसेट कर लेना है। तो हर ईयरबड्स का जो है प्रोसेस थोड़ा सेम हो सकता है, तो इस वजह से मैं बता नहीं सकता हूँ आपके पास कौन सा ईयरबड्स हो, तो उसके बारे में आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको अपने ईयरबड्स को जो है अपने फ़ोन से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए हम कनेक्ट करते हैं, हम ब्लूटूथ को ओपन करेंगे और सर्च करेंगे और कनेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे। और ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी है, ये चीज़ आपको चेक कर लेना है कि आपके जो ईयरबड्स हैं कहीं पहले से ही तो कनेक्टेड तो नहीं है। कई बार होता है कि ऑलरेडी किसी फ़ोन से कनेक्ट होते हैं जिस वजह से आपके जो है ईयरबड्स कनेक्ट नहीं होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो गाइज देख सकते हैं यहाँ पे इसका नाम आ चुका है बॉबी ईयरबड्स, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, और गाइज जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो है कनेक्ट हो जाएंगे। पर गाइज अगर यहाँ पे भी कनेक्ट नहीं होते हैं तो उसके बारे में मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। अगर गाइस यहाँ पे कनेक्ट नहीं होते हैं, उसका नेम अगर शो होता है और उसके बाद भी जो है कनेक्ट नहीं होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस ये रहे मेरे ईयरबड्स, तो चलिए इनसे कनेक्ट करते हैं, और गाइस यहाँ पे देखते हैं पेयरिंग हो रहा है, तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं और पेयर पे हम क्लिक करेंगे। और जैसे मैं पेयर पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये भी जो है मेरे कनेक्ट हो चुके हैं। तो गाइज देख सकते हैं कुछ इस टाइप से जो है आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। अगर आपके कनेक्ट नहीं होते हैं तो एक काम और करना है, ये आई बटन दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करना है और आपको एक बार इसे अनपेयर कर देना है। अनपेयर करने के बाद आपको इसे दोबारा से रिकनेक्ट करने की कोशिश करना है। तो ये आ चुके हैं, एक बार आपको अनपेयर कर देना है, उसके बाद आपको रिकनेक्ट करना है, पेयर कर देना है, जिसके बाद ये कनेक्ट हो जाएंगे। और गाइज इसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में।